मोड को यूज़ करना, थोड़ा हार्ड है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो हाय गाइस, मैं आज कमेंट करके एक और नई वीडियो के साथ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल रियल आयरन मोड मोड को कैसे डाउन करते। तो चलो इसको शुरू करते हैं। देन मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएटिव। तो जस्ट वेट, इसको कर लेता हूँ मैं क्रिएटिव। और नीचे जाना है, और अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो आपको ये सेंटर में जो है क्रिएशन ऑफ कस्टम बायोम, तो इसको ऑन कर लेना, मतलब एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले। और अगर आपका पहले वाला है तो यूज़ एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले। तो बिहेवियर और रिसोर्सेस पैक में जाके इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। और तो अभी रिसोर्सेस पैक में जाके भी इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी लगभग आधा घंटा लगा इसको समझने में, लेकिन मैंने वीडियो को काट दिया है। तो देख सकते हैं, अगर आपके येलो येलो डॉट आएगा तो आपके मोड नहीं चलेगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अब मेरे नहीं आ रहा है तो मैं क्रिएट क्लिक कर देता हूँ। तो इसको क्रिएट होने देते हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो अभी मैं आपको इसकी रेसिपी बता देता हूँ। तो आपको लगेगा क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल को मैं, और ग्लास, और लगेगा, तो ये देखो इसमें कुछ कुछ बग आते हैं, शायद तक आपके फ़ोन में ना हो ये, तो आप देख लेना। और आपको लगेगा आयरन ब्लॉक और आयरन नगेट्स, इनगट सॉरी, और नेदर स्टोर। तो भाई, अगर आपको सर्वाइवल में बनाना है तो वेदर बॉस को मारना पड़ेगा। तो अभी आपको ग्लास को कुछ बोतल शेप में रख देना है, जिससे अपन बोतल क्राफ्ट कर पाते हैं। तो ये देखो, तो अब आपको बीच में नेदर स्टार रख देना है, और ऐसे कुछ करके सेंटर में ही है। तो नहीं बना तो शायद तक रेसिपी कर लेते। तो जो ब्लॉक ऑफ आयरन है उनको साइड में रखो, और आयरन निगट्स को बीच में। तो मैं रख लेता हूँ। तो ये देखो, ये मिल चुका भाई। ये मुझे मोड काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है, तो क्रिएटर को स्पेशल थैंक्स यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर से भाई को सपोर्ट करना, और यार एक बार ट्राई ज़रूर करना इस मोड को, काफ़ी बढ़िया। और ये वीडियो सबसे अलग है, तभी ये वीडियो बड़ी है। तो इसको यूज़ करना भी बहुत मुश्किल है, तो वीडियो को आप देख लीजिए ढंग से। तो अभी देख सकते, जैसे आपको होल्ड करेंगे तो डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी देखो क्राउच होते ही आपको वापस, तो यूज़ करना मैं बता देता हूँ, आपको होल्ड प्लेस करना है। तो ये देखो आपके वियर हो जाएगा, ये टोनी स्टार्क का हार्ट है। तो अभी आपको क्या करना है, तो देखो वापस मैं जैसे ही होल्ड प्रेस करता हूँ तो ये मुझको वापस मिल जाता है। तो ये देखो मेरे हार्ट पे लग चुका है। तो अभी आपको सूटअप करने के लिए क्या करना होगा, सूटअप करने के लिए आपको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने से क्या होगा, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड आएंगे, क्योंकि जावा मोड, जावा आईडन तो नहीं है, मतलब पीसी में नहीं खेले इसलिए इसमें झंझट है थोड़े बहुत। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये कोई चाइनीज़ ऐप नहीं है, आप इजीली आराम से कर सकते हो एम सी एडोन है। तो अभी देखो, अभी मैंने उसको वियर कर रखा है, ठीक है। तो अभी उसको ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी मेरे को स्प्लिट करना होगा। तो मैं अनक्राउच होता हूँ, और जैसे मैं इसको वियर करूँगा होल्ड प्रेस करके, तो ये देखो जैसे मैंने इसको वियर करा, अब मेरे को स्प्लिट करना होगा। तो मैं स्प्लिट करना शुरू करता हूँ, तो अनक्राउच होना है, और इसको वियर करके। तो ये देखो, मुझे भी पहले दिक्कत हुई थी, आपको भी होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अभी आपको ऐसे ही वियर कर लेना है इसको, ठीक है। तो इसको वियर कर लेता हूँ मैं, ये देखो मैंने वियर कर लिया होल्ड प्रेस करके। अब आपको जैसे स्प्लिट करोगे तो आपको मोड चेंज होते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी जैसे आप स्प्लिट करोगे तो ये देखो सूट अप का ऑप्शन आया मेरे पास। तो जैसे ही मैं होल्ड प्रेस करूँगा तो मेरे को सूट अप हो जाएगा। अभी सूट अप ये देखो डीएक्टिवे मोड पे है अब, और अब सूट अप मोड पे। तो अब जैसे ही मैं होल्ड प्रेस करता हूँ, अभी मैंने, अभी देखना जैसे ही सूट डाउन है ये, तो मैंने सूट अप पहन लिया है। तो ये देखो ऊपर आपको मिल गया हो, दिख गया होगा निशान, पावर भी मुझको मिल गई है। तो अब अभी मैं आपको वापस से बता देता हूँ,
हेलमेट ऑफ, ठीक है। तो अभी आपको क्राउच करना है, ये देखो सूट मैंने पहन लिया है, और अभी ये है सूट डाउन, लेज़र, ठीक है। तो मैं लेज़र लेता हूँ, तो मान लो आपको कोई भी मोड लेना है तो उस पर होके, तो उसको आपको क्राउच होके होल्ड प्रेस कर देना है। तो ये देखो नैनो लाइट आ गया और नो गैजेट, ठीक है। तो अभी मैं हल्क आयरन मैन बन चुका हूँ, ठीक है। तो इन्वेक्टिव से दिखा देता हूँ। तो ये देखो अभी मेरे को ये पूरा समझ में आ गया है गाइज, आप भी थोड़े थोड़े बोर हो रहे होंगे, लेकिन यार एक बार ट्राई ज़रूर करना। अभी मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थर्ड पर्सन में चला जाता हूँ, तो वीडियो में जाके थर्ड पर्सन में चला जाता हूँ मैं। तो ये देखो इसको मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो यार माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी देखना, जैसे मैं क्राउच होकर अनक्राउच होगा तो ये मेरे पहले वाले मोड पे आ गया। अब लेज़र लिखा हुआ रहा है, जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो इसकी पावर बदल गया, मेगा रूलर है, ठीक है। मेरे को मेगा रूलर पसंद आया तो मैंने क्राउच करके अनक्राउच किया, तो ये देखो ये मेरे पास पावर आ गई और ये इसकी पावर। तो मेरे को वो इन्वेक्ट्री में जो निशान आ रहा है उसको लेके होल्ड प्रेस करना है। तो अभी देखना क्या निकलेगा इसमें से। तो ये देखो ये डीएक्टिवेट हो गया, मेरे को वापस बेयर करने के लिए क्राउच होना होगा, ठीक है। तो ये देखो मेगा रूलर आ गया और अब क्राउच होना होगा, फिर अनक्राउच हो जाना है। तो ये देखो ये वापस आ गया मेरे पास। तो ये देखो येलो येलो निकल रही, ये है इसकी पावर, ठीक है। तो अभी मेरे को मान लो स्विच होना है किसी अलग मोड पे, तो अभी मेरे को क्या करना होगा, पहले तो इसको डीएक्टिवेट करना होगा क्राउच होके। तो मैंने कर लिया। तो अभी देखो नो रेपलर्स ऐसे कुछ आ रहा है, तो अभी आपको क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा, ठीक है। हर एक मोड के अंदर दो दो मोड है। तो ये देखो हैंड ब्लास्ट, बिग शील्ड, शील्ड लेके बताता हूँ। तो मान लो शील्ड पे क्लिक किया और क्राउच हुआ तो शील्ड बन गई, और अगर वापस से आप क्राउच हो गए तो सेकेंड शील्ड आ जाएगी। तो ये देखो मतलब एक मोड के अंदर तीन चार आपको पावरें मिल जाएगी। तो ये देखो ये है स्मॉल शील्ड, और ये है होलोग्रामिक शील्ड, नो शील्ड, और ये देखो बिग शील्ड, ठीक है। मतलब मिसाइल, ये आई मिसाइल। तो अब जैसे मैं इसको मिसाइल को क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इसको होल्ड करता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करता। तो अभी मैं थर्ड पर्सन फ्रंट में हूँ तो मिसाइल नहीं गिर रही है। तो अभी देखना मैं जैसे ही नीचे देखूँगा तो ये देखो TNT वीएनटी गिर रहे हैं, और देखो जैसे मैंने उसको किया तो वो TNT गिरा। अरे वाह ट्रेजर मिल गया, लेकिन अभी ये ट्रेजर भी गया। तो ये देखो कुछ ऐसे ये मिसाइल काम करती है, ये जावा एडिशन की तरह है, जैसे लोगी गेमर ने यूज़ किया था और चपाती गेमर ने, वैसा ही है ये। तो अभी नो मिसाइल पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्राउच हुआ, तो ये देखो अभी ये हेलमेट ऑफ। तो जैसे मैं क्राउच होऊंगा तो ये हेलमेट ऑफ हो जाएगा, तो यार काफ़ी बढ़िया है। और जैसे मैं वापस से क्राउच होऊंगा तो हेलमेट ऑन हो जाएगा। अभी मेरे को मान लो सूट डाउन करना, तो स्प्लिट करना होगा सूट डाउन। तो जैसे मैं क्राउच करूँगा तो ये देखो सूट गायब। तो अभी बता देता हूँ मैं डाउनलोड प्रोसेस, तो आप अच्छा है समझ गए होंगे। तो डाउनलोड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मीडिया फायर की दो लिंक मिल जाएगी, रिसोर्सेज पे और बिहेवियर पे, तो उसको दोनों को डाउनलोड करके, तो सबसे पहले रिसोर्सेज पैक पे क्लिक करके माइनक्राफ्ट में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसको ओपन होने देना है। तो ये देखो इंपोर्ट स्टार्ट लिखा हुआ आ गया और ये सक्सेसफुली हो गया। तो अब आपको वापस से क्रोम में जाके बिहेवियर पे जो है सेकेंड वाला, इसको भी आपको माइनक्राफ्ट में ओपन कर लेना है। तो जस्ट वेट, इसको भी होने देते हैं। तो ये देखो ये हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।